साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, क्योंकि आज का दिन अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है और इसीलिए दिन भर गहमा गहमी बनी रही तो उन सवालों को रखना बड़ा जरूरी है। क्यों केजरीवाल ईडी के सामने गवाह बनने को तैयार हो गए हैं? थोड़ा आपको मामला अलग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि केजरीवाल गवाही की बात कर रहे हैं, गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल की चिट्ठी उनके डर को दिखा रहा है? ये चिट्ठी में उनका डर नजर आ रहा है, ये देखना जरूरी है। और ये मैं आपको बताऊंगा, क्या ईडी के डर से केजरीवाल की पैंट गीली हो गई है? अब ये भाषा मेरी नहीं है, ये उन्हीं की भाषा, इसलिए बोलना पड़ा है। और क्या केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि सिसोदिया जेल से बाहर आए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि ईडी को जवाब देने के चक्कर में केजरीवाल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। दिन भर लगा रहा कि वो पहुंचेंगे, और इसके बाद उन्होंने किया क्या? उन्होंने ईडी को चिट्ठी भेज दी, प्रेम पत्र। अब प्रेम पत्र तो वही कहा करते थे ना राज्यपाल को लेकर के, इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन इस चिट्ठी में जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो हैरान करने वाला है। पूछ रहे हैं जनाब कि वो गवाह हैं या संदिग्ध हैं, और इसीलिए इस सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल गवाह बनने को तैयार हो रहे हैं। अब मैं इस चिट्ठी के बारे में, देखिए ये चिट्ठी मेरे पास है दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये चिट्ठी, आप ये समझ लीजिए। अभी मैं एक एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन एक बात बताना बड़ा जरूरी है। अभी लोगों से, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई और मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि इसके बाद होगा क्या, वो तो पहुंचे ही नहीं। तो आपको मैं एकदम क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि ईडी के पास विकल्प खुला है कि वो कभी भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि वो कितनी बार नोटिस भेजे, दो बार तीन बार, ऐसा नहीं है। ये बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों, और इसीलिए चाहे तो ईडी रैली से उठाकर भी जेल में डाल सकती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फिर ईडी ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो आप, हमारे आपके सबके मन में ये सवाल उठता है ना, मैंने भी तलाशा और इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन पहले आपको इस चिट्ठी के बारे में, ये जो दो पन्नों की चिट्ठी है ना, बड़ी मेहनत से तैयार की गई है, लेकिन इस चिट्ठी में उनका फ्रस्ट्रेशन है पूरी तरीके से। ये चिट्ठी अंग्रेजी में है, चूंकि IRS अधिकारी हैं तो वो क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, वकीलों से बात किया होगा, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से सारी चीजें उजागर कर रहा है ये मैं आपको बताता हूं। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर को लिखा, और क्या कहा है मैं आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। इसमें कहा गया है कि मुझे भेजा गया समन स्पष्ट नहीं है, मुझे गवाह या संदिग्ध के तौर पर समन किया गया है, ये साफ नहीं है। और ये पहला पॉइंट है। आप सोचिए, केजरीवाल गवाह बनेंगे क्या? किसकी गवाही देंगे, किसके खिलाफ गवाही देंगे? और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल आखिर गवाही के लिए तैयार क्यों हो गए हैं। दूसरा, इन्होंने आगे लिखा है, समन में स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है कि मुझे क्यों बुलाया गया है। अब बताइए, मतलब एक गाना है ना कि चाय पे बुलाया है, भैया कोई थोड़ी ना आपकी दोबारा माने कोई लीला होगा या कोई एकदम जिसको बोलते हैं सारे कस्टम, अब तो आप उस उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं भाई, आपको पूछताछ के लिए ही बुलाया गया है, आप ही से जुड़ा मामला है हर तरह से। आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको बुलाया गया, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं तो आपको बुलाया गया, दिल्ली के मालिक ही आप हैं। तीसरा पॉइंट, समन में ये नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत हैसियत से या दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाया गया। मैं इसी चिट्ठी के बारे में बता रहा हूं जो आपको मैं ग्राफिक्स के तौर पर भी दिखा रहा हूं। आप देखिए कैसे गोल गोल जलेबी बनाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे लिखते हैं,
कि मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए समन को 30 अक्टूबर को बीजेपी के कुछ नेताओं को लीक किया गया। भाई खबर है तो खबर तो आएगी ही ना, सब ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव खबर कैसे चलाते हैं, ऐसे ही चलाते हैं, आप भी देते हैं। ईडी का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है, जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर भेजा गया। जो ये आरोप लगाते हैं वही आरोप इसमें भी कहा गया है। इसके आगे लिखते हैं, नोटिस ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ रहूं। अब ये सारा अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं दोस्तों। आप सोचिए, अरे भाई 5 राज्य में क्या कर लेंगे, खुद सोचिए। इसके आगे लिखते हैं, आपका राष्ट्रीय संयोजक और एक स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और पार्टी के अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। ये भी लिखा है, ठीक है भाई आप स्टार प्रचारक हैं, आप ही हैं स्टार प्रचारक, तो छोड़ दीजिए, वो तो आप भूल ही जाइए, सर्वे सर्वा आप हैं, आप ही मुख्यमंत्री, आप ही संयोजक, आप ही सब कुछ हैं। आगे लिखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं जिनके लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है, विशेष रूप से आने वाली दिवाली के मद्देनजर। अब आप इस पॉइंट पे बड़े गौर से समझिए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को आज नोटिस भेजा गया तो आप कहां गए, आप सरकारी काम कर रहे थे, आप तो भगवंत मान को लेकर के मध्य प्रदेश चले गए, एक छोटा सा वो भी मेयर जैसा ये चुनाव होता है दिल्ली का, और आप चले गए मध्य प्रदेश और बोल रहे हैं शासन की प्रतिबद्धताएं हैं। और इसके बाद आखिर में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर इनकी चिट्ठी का लबोलुआब है दोस्तों। अब आप सोचिए कि जो केजरीवाल कहते थे कि सिर्फ संजय सिंह के नाम से ईडी की पैंट गीली हो जाती है, वो क्या संजय सिंह की हालत देखकर जांच के नाम से भाग रहे हैं, और क्या इसीलिए चिट्ठी लिख रहे हैं? एक छोटा सा बयान सुनाता हूं दोस्तों, तब यह पता चलेगा कि क्या केजरीवाल की पैंट गीली हो रही है। मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूं, बयान सुनिए। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। देख रहे ना किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अब इस मामले में केजरीवाल न केवल बुरी तरह से फंस गए हैं बल्कि सिसोदिया को भी फंसा दिया है। दरअसल 31 अक्टूबर को सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए और ये रिपोर्ट भी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। और सिर्फ दोस्तों जमानत ही खारिज नहीं हुई है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेईमान आम आदमी पार्टी की ताबूत में आखिरी कील के समान है। जी हाँ, ये जो आया है सुप्रीम कोर्ट से फैसला, बार एंड बेंच की वेबसाइट पर लिखी हुई एक लाइन पढ़ देता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। कोर्ट ने कहा, विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू आए हैं जो संदिग्ध हैं। 338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है, हमने जमानत खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि जो केजरीवाल चीख चीख कर कहते थे ना कि कहां है पैसे, तकिया गद्दी, उस पैसे की बात सामने आ गई है और उसे जांच एजेंसियों ने दोस्तों स्टैब्लिश कर दिया। ये तो बयान भी आपको कल सुना चुका हूं ना। अब ये समझ लीजिए कि कैसे केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों वो नहीं चाहते हैं कि सिसोदिया की जमानत खारिज हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि सिसोदिया 3 महीने बाद ही बेल के लिए याचिका डाल सकते हैं। जी हां, 3 महीने के बाद ही, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा और यही दिखा रहा हूं आपको। और उसके लिए भी एक विशेष परिस्थिति बताई है। परिस्थिति क्या है यह भी जान लीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने जमानत की याचिका सिसोदिया की ठुकराते हुए कहा कि हमने कहा है कि अगर इन 6 महीनों में सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो वे इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब ये सिसोदिया के लिए शुभ मानिए अशुभ मानिए जो भी है, लेकिन ये तो है ना कि 3 महीने तो कम और 6 महीने,
अब जरा सोचिए कि अगर केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो फिर इस जांच की देरी का जिम्मा किसके सिर फोड़ा जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? आप सोचिए, कौन देरी कर रहा है, लेट लतीफी कौन करा रहा है? निश्चित रूप से दोस्तों केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जबकि अब तो यह भी साफ हो गया है कि शराब घोटाले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मुकदमा चलाया जाएगा और इसके हेड भी केजरीवाल ही हैं। अभी चिट्ठी में दिखा रहा था ना मैं आपको, पूछ रहे हैं कि किसके नाते बुला रहे हो, व्यक्तिगत, पार्टी हेड, मुख्यमंत्री, सब में है। और सब की बात बताता हूं आपको, और ये बात जो आई है ना सुप्रीम कोर्ट में, तब सामने आई दोस्तों जब सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई चल रही थी। दरअसल उससे पहले ईडी ने अपने चार्ट के जरिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट को बताया था कि कैसे विजय नायर के जरिए शराब माफियाओं का पैसा मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी न बनाए जाने का क्या कारण है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा और जस्टिस संजीव खन्ना और एसवी भाटी की खंडपीठ ने दोस्तों ये कहा कि जहां तक पीएमएलए की बात है उसमें आपका पूरा केस ही इस बात पर टिका है कि अपराध का फायदा एक राजनीतिक पार्टी को मिला है, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी को आपने आरोपी ही नहीं बनाया है। आप इसका क्या जवाब देंगे? मैं आपको इसका अंग्रेजी में भी पढ़कर सुनाता हूं। एज फार एज द पीएमएलए इज कंसर्न, योर होल केस इज दैट इट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वेंट टू ए पॉलिटिकल पार्टी, दैट पॉलिटिकल पार्टी इज स्टिल नॉट एन एक्यूज्ड, हाउ डू यू आंसर दैट? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और उसके बाद क्या हुआ, ईडी को अपनी भूल समझ में आ गई और उसने अगली सुनवाई यानी 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि वो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना रही है। ये बात समझ में आ गई ईडी को, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था दोस्तों। और अब एक महत्वपूर्ण बात कि आखिर केजरीवाल क्यों सिसोदिया से नाराज हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये न्यूज दिखानी पड़ेगी, 4 अक्टूबर की इस न्यूज का एक छोटा सा हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, कहा था कि नई आबकारी नीति लाने का फैसला उनका अकेले का नहीं था बल्कि संस्थागत था और कैबिनेट की मंजूरी भी मिली थी, यानी केजरीवाल को फंसाने की पूरी गुंजाइश। और देखिए न्यूज में क्या लिखा, आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं एक लाइन। मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आगे कहा गया कि नई आबकारी नीति लाने का फैसला संस्थागत था जिसे कैबिनेट की भी मंजूरी मिली और उपराज्यपाल की भी मंजूरी मिली। अब उपराज्यपाल का क्या रोल है भाई, फैसला आप कर रहे हैं तो उपराज्यपाल क्या करेंगे? तो आप समझिए इसके बहाने हुआ क्या, इसके बहाने ये हुआ दोस्तों कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी फंसे हुए हैं, केजरीवाल सरकार के मुखिया होने के नाते भी फंसे हुए हैं और उनके खुद के घर में सारी चीजें हुई हैं। तो ये जो सोच रहे थे ना कि हम तो जी आंदोलनकारी हैं, हमने तो ये कर दिया, कुछ नहीं, केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये तो मान लीजिए ईडी ने उनको मौका दिया है, गिरफ्तारी अगर नहीं भी है कि ठीक है करो, और ये सिसोदिया के लिए ही बड़ी मुसीबत है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात आप मान कर चलिए कि केजरीवाल जो अराजकता इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में फैलाना चाहते थे, आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण और उसकी वजह से किए गए भ्रष्टाचार के कारण खुद अराजकता का शिकार हो चुके हैं, और इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ईडी जैसी संस्था को भी वो क्या जवाब दें। वो इससे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सरकार, संसद, सीएजी, पुलिस, सभी संस्थाओं पर, कोई बचा हो तो बताइएगा, सब पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। और ऐसे में ईडी पर सवाल उठाते हैं तो लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ये दो पन्ने की चिट्ठी लिखी है ना,
ये चिट्ठी उन्हीं को फंसाने वाली है, उनको कोई राहत नहीं मिलेगी, ये उनके फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।